हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अप्रीता एफएम में। आप सुन रहे हैं माय साइकोपैथ हस्बैंड। दूसरे दिन अर्शिका स्कूल से आने के बाद जानवी जी के साथ गार्डन घूमने लगती है। वो दोनों वहां से आ ही रहे थे कि हल्की हल्की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर अर्शिका के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो जानवी जी के आगे आगे चलते हुए खुशी से डांस कर रही थी कि तभी उसके कानों में किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो वहीं पे रुक जाती है। उसको रुका हुआ देखकर जानवी जी कहती है, क्या हुआ बच्चा, तुम रुक क्यों गई? क्या अब तुम्हें घर नहीं जाना है या बारिश में मस्ती करनी है? अर्शिका जानवी जी की तरफ देखते हुए कहती है, मॉम क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? जानवी जी उसकी बात सुनकर ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगती है तो उनके कानों में भी किसी जानवर के बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। हाँ, मुझे कुछ किसी जानवर के बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। अर्शिका उसका हाथ पकड़कर जिस दिशा में से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में ले जाते हुए कहती है, फिर चलो ना देखते हैं उसे क्या हुआ है। अगर कोई उसे बुली कर रहा होगा तो हमें उसे बचाना भी तो पड़ेगा ना। जानवी जी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, हाँ हाँ तुम आई भी तो हो इस दुनिया में, इस दुनिया को बचाने के लिए। फिर उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो लोग एक झाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। जानवी जी अर्शिका को खुद से दूर करते हुए कहती है, तुम यहीं पर खड़ी रहो, मैं देखती हूँ यहाँ पर कोई जंगली जानवर हो सकता है, इसलिए तुम दूर ही रहना। अर्शिका उसकी बात सुनकर हाँ बोल ले वहीं पर खड़ी हो जाती है और जानवी जी जब झाड़ी को हटाकर देखती है तो एक कार्टून के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की कैट होती है। उसे देखते ही अर्शिका की आंखें चमक उठती है और वो दौड़ते हुए उसे अपने गोद में उठा लेती है और जानवी जी को देखते हुए कहती है, मॉम देखो ये कितनी प्यारी है, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? जानवी जी अर्शिका की बात सुनकर कहती है, नहीं बच्चा तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें पता है ना दादी माँ को जानवर पसंद नहीं। जानवी जी की बात सुनकर अर्शिका क्यूट सा पाउट बनाकर कहती है, मॉम आप ही देखो ना ये कितनी छोटी सी है, ये तो खुद से खुद के लिए खाना भी नहीं ढूंढ सकती है, और अगर हमेशा यहाँ छोड़ देंगे तो इसे डॉग आकर परेशान करेंगे, और देखो ना बारिश भी हो रहा है, ये बीमार हो गई तो। जानवी जी उसकी वो प्यारी सी शक्ल देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे, लेकिन फिर वो एक बार फिर कोशिश करते हुए कहती है, लेकिन बच्चा वो इतना बोली ही होती है कि तभी एक बार फिर से अर्शिका ने अपनी दोनों प्यारी प्यारी आंखों से देखते हुए कहती है, प्लीज़ ना मॉम हम इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। जानवी जी उसे जीत के आगे हार मानते हुए कहती है, ठीक है लेकिन दादी माँ को तुम खुद ही मनाओगी, मैं इस बार तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बोलूँगी। जानवी जी की बात सुनकर अर्शिका उन्हें एक ब्राइट स्माइल देते हुए कहती है, मॉम आप इतनी छोटी सी बात की टेंशन क्यों ले रही है, आपको पता है ना आपकी बेटी बहुत ही टैलेंटेड है, आप बस देखते जाओ मैं दादी माँ को अपने सुंदर से दो कलर की आंखों के जाल में कैसे फंसाती हूँ। उसकी बातें सुनकर जानवी जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहती है, हाँ हाँ मैं भी देखती हूँ मेरी ये सुंदर सी टैलेंट बेटी उन्हें कैसे फंसाती है। ओबेरॉय पैलेस, अर्शिका उस कैट को जानवी जी के गोद में देखकर खुद अंदर हॉल में आकर दादी माँ के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। जब दादी माँ उसको ऐसे अपने सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ देखते हैं तो वो दिग्विजय जी की तरफ देखने लगती है और इशारों में पूछती है, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों खड़ी है? दादाजी भी उन्हें इशारों में ही बताते हुए कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता तुम खुद पता करो। दादी माँ फिर अर्शिका की तरफ देखते हुए अपनी कड़क आवाज में कहती है, तुम यहाँ पे ऐसे सर झुका कर क्यों खड़ी हो, क्या तुमने फिर से कोई शरारत की हो? अर्शिका उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे नहीं दादी माँ मैंने अब बदमाशी करना छोड़ दिया है, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, और आप ही तो कहती हो कि लड़कियों को शांत होना चाहिए और मैं आपकी बात को कैसे ना कर सकती हूँ, इसलिए मैं बदमाशी नहीं करती, अच्छे बच्चे की तरह डिसिप्लिन में रहती हूँ। अर्शिका की बात सुनकर दिग्विजय जी और दादी माँ उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे कह रहे हो
ये कब हुआ और हमें पता क्यों नहीं है? और फिर दादी माँ मुद्दे पर आते हुए कहती है, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम मुझे मस्का क्यों लगा रही हो? क्या तुमने कुछ चाहिए? अशिका अपने उंगलियों से खेलते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे आपको कुछ बताने आई थी। दादी माँ कहती है, हाँ तो तुम्हें क्या बताना है, तुम मुझे बता सकती हो? बताए आपको दादी माँ, मेरे क्लास में ना एक बच्चा है, ना बहुत ही गंदा है, वो आपके बारे में गंदे गंदा बोल रहा था। वो बोल रहा था आप जानवरों से नफरत करते हो, और अगर कोई जानवर आपके सामने आ जाता है तो आप उन्हें जान से मार देते हो। मुझे ना उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका मुंह फोड़ दिया, और फिर मैंने बोला मेरी दादी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है, वो सबको एक जैसा प्यार करती है, वो चाहे इंसान हो या जानवर। अशिका ये सब कहते हुए दादी माँ की तरफ देख रही थी। वहीं इसकी इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनकर दादी माँ और दादाजी दोनों ही एक पता चल जाता है ये झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो दोनों ही चुप रहते हैं। और जब अशिका की बात ख़त्म हो जाती है तो दादी माँ कहती है, हाँ तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, अब बताओ तुम्हें इसके बदले में मुझसे क्या काम है? अशिका उनकी बात सुनकर उनके पास जाती है और उनके कपड़ों से खेलते हुए कहती है, वो क्या है ना, मुझे ना एक क्यूट सी कैट मिली है रास्ते में, और मैं उसे इतनी बारिश में अकेला नहीं छोड़ सकती थी ना, आपने मुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए है ना, इसलिए मैं उसे अपने साथ घर लेकर आ गई, क्या आप उसको रहने के लिए एक छोटा सा कोना दे सकती हैं? वैसे मुझे पता है आप दे देंगी, क्योंकि अपने दिल में तो सबके लिए प्यार है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्या क्यों ना मैं एक बार आपसे पूछ ही लूँ। ठीक है, तुम उसे एक छोटे से कोने में रख सकती हो, लेकिन हाँ गलती से भी वो जानवर मेरे सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं उसे घर से बाहर कर दूंगी, दादी माँ अशिका से कहती है। अशिका खुशी से उनके गालों पर किस करते हुए कहती है, मैंने कहा था ना आप दुनिया की सबसे बेस्ट दादी माँ हो, आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। इतना बोल वो वहाँ से उछलते हुए घर से बाहर भाग जाती है। वहीं उसके जाते ही दादाजी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, ये लड़की हमेशा तुम्हें अपनी झूठी तारीफों के जाल में फंसा कर अपना काम निकलवा लेती है, और तुम हमेशा उसके जाल में फंस जाती हो। दादाजी की बात सुनकर दादी माँ उन्हें गुस्से से घूरने लगती है और कहती है, मेरी नातिन है और वो मेरी कभी छोटी झूठी तारीफ कर ही नहीं सकती, बस तुम ये बोलो ना, तुमसे मेरी तारीफ देखी नहीं जाती, तुम जलते हो। दादी माँ का इतना कहना ही काफ़ी था कि उन दोनों के बीच तू तू मैं होने लगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट कैसा लगा? अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।